हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात होगा जो सर्वे के आधार पे जो बेस शिफ्ट बन रहा है उसके बारे में। सुबह मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था पर उसमें ये वाला पोर्शन छूट गया था, इसीलिए अभी हम लोग चलेंगे। और इस जो पूरा सर्वे है, 7 तारीख को मैंने लास्ट कंप्यूटर साइंस का सर्वे का जो भी रिपोर्ट था उसको मैंने पोस्ट किया था, उसका सर्वे का दिखाया था। अभी 7 तारीख से आज 9 दिन का गैप हो गया। इस दरमियान में एटलीस्ट 200 के आसपास एंट्रीज़ होंगी, 200-300 एंट्री नई आई होगी, तो उसके बेसिस पर भी जो भी डेटा होगा आगे दिखाएंगे उसको सॉर्ट करके। पर अभी जो पहले का ही डेटा था उसके बेसिस पे बेस शिफ्ट कौन सा बन रहा है उस पर बात करेंगे। बेस शिफ्ट एक बार बहुत पहले जब बिल्कुल थोड़े से लोग थे, 1000 भी नहीं सर्वे में एंट्री हुई थी, उस वक्त पे दिखाया था। और अभी इस वीडियो में देखेंगे कि बेस शिफ्ट कौन सा बन रहा है। उसकी तरफ जाएँ उससे पहले कुछ क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर। ये जो सुबह मैंने डेटा दिखाया है गूगल ट्रेंड्स का कंपेयर करके कि कितने कैंडिडेट हो सकते हैं सीईटी कंप्यूटर साइंस में, तो देखिए इस चीज़ को वीडियो क्रिएट करने के बाद कई सारे लोगों ने इसके बारे में पूछना शुरू कर दिया है। तो इसको गूगल ट्रेंड्स को आपको ठीक से यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग ठीक तरह से करना होगा। आप इसमें सिर्फ एसटीईटी की बात नहीं है, मैंने एसटीईटी सर्च करने वाले और एसटीईटी कंप्यूटर सर्च करने वालों को कंपेयर कर दिया। जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं 2 पॉलिटिशियंस का नाम है और उनको मैंने कंपेयर कर दिया है कि उनके बारे में लोग गूगल पे कितना सर्च कर रहे हैं, या गूगल के जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि यूट्यूब है या और भी जो गूगल के प्रोडक्ट्स हैं उस पर लोग किस तरह से सर्च कर रहे हैं, कौन ज़्यादा पॉपुलर है इंटरनेट पे, क्या ट्रेंड दिखा रहा है। तो आपको सेटिंग ठीक तरह से करना पड़ेगा। जैसे कि आप सबसे लेफ्ट साइड में देखिए बिहार लिखा हुआ है, आपको बिहार सेलेक्ट करना पड़ेगा और कितने दिनों का आप डेटा देखना चाहते हैं। जैसे कि जो मैंने अभी जो सुबह दिखाया उसमें मैंने लास्ट 12 मंथ्स करके किया था और यहाँ पर मैंने लास्ट 30 डेज़ करके सिलेक्ट कर लिया है। तो इस तरह से आप डेटा को देख सकते हैं। सुबह के डेटा के बारे में कुछ और जो जानकारी है, जो मुद्दे की बात है, पॉइंट की बात है, जैसे कि जो जनवरी फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ उस वक्त पर कंप्यूटर साइंस की पॉपुलैरिटी का स्कोर 5 था। जब वो एग्ज़ामिनेशन दोबारा इस बार अभी सितंबर में हुआ तब उसकी पॉपुलैरिटी का स्कोर 2 हो गया। अब ये कैसे हो गया, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ये कैसे पॉसिबल है। उसके बारे में ये कहना है कि जब शुरुआत में एग्ज़ाम हो रहा था उस वक्त लोग कम अवेयर थे कौन सा चैनल देखें, एक कौन सा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को पकड़ें, तो इस कारण से जनवरी फरवरी के टाइम पे उस टाइम पे लोगों ने ज़्यादा सर्च किया। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को कोई ना कोई चैनल, कोई ना कोई वेबसाइट, कहीं ना कहीं कुछ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल गया और लोग जब भी इन्फॉर्मेशन चाहिए था या कुछ ट्यूटोरियल चाहिए था या प्रैक्टिस चाहिए था लोग उस चैनल पर उस वेबसाइट पर चले जाते थे। तो लोगों ने एक बस जो ढूंढने का जो सिलसिला था वो जनवरी फरवरी में ही चल रहा था, जनवरी में ही चल रहा था, उसके बाद लोग बस पर बैठ चुके थे। इसलिए सितंबर के एग्ज़ाम में आपको एसटीईटी कंप्यूटर का जो सर्च है वो कम दिख रहा है जनवरी के मुकाबले, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश चैनल थे, ये मेरा भी, बहुत सारे दूसरे चैनल भी हैं जो अच्छा कॉन्टेंट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग फिक्स हो गए थे। दूसरे कई लोगों ने ये लिखा है अभी टेलीग्राम पर, मैं देख रहा हूँ कई लोगों का मैसेज कि जब कंप्यूटर का घट गया है, कंप्यूटर का सितंबर में सर्च घट गया तो एसटीईटी का कैसे बढ़ गया, जो एसटीईटी सिर्फ एसटीईटी टर्म था उसका जो पॉपुलरिटी वो बढ़ कैसे गया सितंबर में, और उसका पॉपुलरिटी पहले ही कम था। उसका रीज़न ये है कि अगस्त सितंबर के टाइम पे बिहार बोर्ड ने कई बार नोटिस निकाला, कभी बेल्ट्रॉन के बारे में, कभी सिलेबस, कभी एग्जामिनेशन डेट, कई बार नोटिस, मतलब एटलीस्ट उस टाइम पर 8-10 बार प्रेस रिलीज जारी किया गया था। अगर इसको आप कंपेयर करें जनवरी वाले एग्ज़ाम से तो जनवरी वाले टाइम पर इतना ओहो नहीं मचा हुआ था, इतना ज़्यादा नोटिफिकेशन, इतना ज़्यादा प्रेस रिलीज इस तरह से नहीं होता था। तो जो सारी गड़बड़ी बिहार बोर्ड ने की बार बार नोटिस निकाल निकाल के, वो एक मेन रीज़न हो सकता है कि सितंबर के एग्ज़ाम के आसपास लोगों ने गूगल पे या यूट्यूब पे एसटीईटी को ज़्यादा सर्च किया जनवरी के कंपेयर में, क्योंकि बार बार नोटिस आ रहा था, कभी केस का मामला हो रहा था, आज इस केस की सुनवाई हो रही है, रोज़ अखबार में केस के बारे में निकल रहा है, तो लोग ज़्यादा उसके न्यूज़ के बारे में सर्च कर रहे थे। जनवरी में कंडीशन ऐसी नहीं थी। तो ये सारा क्लैरिफिकेशन था मेरा, जो मैंने सर्वे दिखाया, जो डेटा दिखाया और डेटा आ रहा है 12,500 के आसपास का, उसको आप सही मान के चलें। कंप्यूटर साइंस के मामले में वो बिल्कुल दुरुस्त है, थोड़ा 1000-2000 ऊपर नीचे हो सकता है पर उससे ज़्यादा वेरिएशन आप नहीं ला हो सकता पॉसिबल मेरे हिसाब से। तो ये तो सारी बात हो गई जो मैंने डेटा दिखाया। अभी हम लोग चलते हैं अपने सर्वे वाले शीट पर। ये वही शीट है जो मैंने 7 तारीख को, पिछली बार मैंने कंप्यूटर साइंस का 7 तारीख को वीडियो बनाया था, ये वही शीट है। ये शीट मैंने कुछ लोगों को शेयर भी किया है।
अभी जो नया डेटा आया है उस पर फिर बाद में वीडियो क्रिएट करेंगे। ये वो हिस्सा है जहाँ पर मैंने फीमेल्स के लिए क्रिएट किया था, और ये वो हिस्सा है जहाँ पर शिफ्ट निकाला गया था कि कौन से शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या हो सकता है। तो सभी शिफ्ट के स्कोर को मैंने इधर कॉपी किया, उसके बाद इनका एवरेज निकाला, और उसके एवरेज को आपस में आप देख लीजिए, जिसे जिसका एवरेज सबसे ज़्यादा होगा वही बेस शिफ्ट बनेगा, और जिसका एवरेज सबसे कम होगा उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन में। स्टैंडर्ड डिविएशन और जितने भी और जो पेचीदगियाँ हैं, जितना भी और कॉम्प्लेक्स टर्म है अपने नॉर्मलाइजेशन करने में, उसको आप छोड़ दें। आप इसको सिंपली ऐसे समझें कि जो शिफ्ट बेस शिफ्ट बनेगा उसका एवरेज स्कोर जितना होगा, आपका जो शिफ्ट होगा उसका एवरेज स्कोर जितना गैप होगा आप उतना मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लें कि बेस का एवरेज स्कोर 90 है और आपका आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर 82 है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 8 नंबर के आसपास मिलेगा। वो 8 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, वो उसके आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको उतना मार्क्स मिलेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं, ये सारे चारों शिफ्ट का मैंने यहाँ पर मार्क्स कॉपी करके रखा है, अभी इसको देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं। सबसे लेफ्ट वाले से शुरू करते हैं। सबसे लेफ्ट वाले पर हैं, 18 का शिफ्ट है, 18 मॉर्निंग का शिफ्ट है, और इसका एवरेज स्कोर देखिए आपके स्क्रीन पर आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, 103। 18 मॉर्निंग का एवरेज स्कोर आ रहा है 103, जो सर्वे में लोगों ने डेटा इनपुट कराया उसके बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ। अभी दूसरे शिफ्ट पर चलेंगे, 21 मॉर्निंग का शिफ्ट, 103 आप याद रखिए 18 मॉर्निंग के लिए। छियानवे पॉइंट बीस। इसके बाद एग्ज़ाम हुआ 21 दोपहर का, जहां पर लोगों की शिकायत है कि उनसे सबसे मुश्किल सवाल पूछा गया। अभी देखते हैं कि उनका एवरेज स्कोर कितना है। 93.12। ये है 21 दोपहर का शिफ्ट, अभी आपके स्क्रीन पर जो आएगा वो 21 शाम का शिफ्ट होगा, और ये लास्ट शिफ्ट है। अब इसका देखते हैं एवरेज स्कोर कितना है। 100.819। अभी इन चारों का एक बार में देखते हैं कि इन चारों का एक बार में क्या बनता है। काफ़ी लोगों ने याद कर लिया होगा, 18 मॉर्निंग, 21 का फर्स्ट शिफ्ट, 21 का सेकंड शिफ्ट, 21 का थर्ड शिफ्ट, चारों का डेटा आपके सामने है, चारों का औसत स्कोर आपके सामने है, और सबसे ज़्यादा स्कोर जो हुआ है 103.03 जो है वो 18 मॉर्निंग का जो शिफ्ट था, जहां पर शायद सबसे आसान सवाल पूछे गए, क्योंकि इस डेटा को देख करके तो यही लगता है 103। अब मुझे नहीं लगता है कि ये शिफ्ट अब बेस शिफ्ट बनने से बच सकता है, यही शिफ्ट होगा जो बेस शिफ्ट बनेगा। और उसके बाद जहां पर स्कोर हो रहा है वो है 21 का थर्ड शिफ्ट, 100.81, 3 नंबर का फ़र्क आ रहा है। 21 का फर्स्ट शिफ्ट में 7 नंबर का फ़र्क आ रहा है 18 के मॉर्निंग शिफ्ट से, 96.2, और 21 के सेकंड शिफ्ट में 93.12। तो अभी तक का सर्वे का यही डिटेल है। अभी जो सर्वे में नया जो एंट्री हुआ होगा, जो अभी पिछले कुछ दिनों में, पिछले एक हफ्ता 10 दिन में, उसको मैं देख करके फिर से आगे मैं कभी वीडियो क्रिएट करूँगा, पर अभी के लिए कंप्यूटर साइंस के अंदर यही अपडेट था कि 18 मॉर्निंग का स्कोर जैसा पिछली बार रहा था, अभी भी वही शिफ्ट सबसे ऊपर जा रहा है, सबसे हाई स्कोर, और 21 का सेकंड शिफ्ट
जिसका स्कोर सबसे कम है, एवरेज स्कोर 93.12, वो भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। नुकसान किसको होगा, फ़ायदा किसको होगा, वो दोनों आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, और दोनों के बीच में 10 नंबर का गैप है, याद रखिए। इसीलिए मैं सेकंड शिफ्ट वालों को बोलता हूँ कि आप ना 8-10 नंबर बढ़ा के मानिए, जो भी आपका स्कोर आ रहा है आप उससे 8-10 नंबर बढ़ा के मानिए, अगर बिहार बोर्ड ने ठीक तरह से नॉर्मलाइजेशन किया तब। तो अभी के लिए इतना ही, आगे भी STETs के बारे में वीडियोज़ क्रिएट करते रहेंगे। थैंक यू।